दोस्तों स्वागत है आपका आज की हमारी इस वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम HAL के हैवी कॉम्बैट हेलीकॉप्टर और इंडियन मल्टी रोल हेलीकॉप्टर के बारे में बात करेंगे। ये दोनों हेलीकॉप्टर ही हैवी कैटेगरी वाले हेलीकॉप्टर होने वाले हैं, और इससे पहले जो हम हेलीकॉप्टर डेवलप कर चुके हैं वो लाइट कैटेगरी वाले थे, जैसे कि हमारा ध्रुव हेलीकॉप्टर था और लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर था। ये दोनों हेलीकॉप्टर ही हल्की श्रेणी में आते हैं, यानी कि ये हैवी हेलीकॉप्टर्स के मुकाबले में ज़्यादा पे लोड कैरी नहीं कर सकते हैं। जो लाइट हेलीकॉप्टर है उनकी भी अपनी इम्पॉर्टेंस है, और इसके साथ ही जो हैवी हेलीकॉप्टर है उनकी भी अपनी इम्पॉर्टेंस है, वो अपने हिसाब से बेहतर है। लाइट हेलीकॉप्टर्स को आप हाई एल्टीट्यूड के ऊपर ऑपरेट कर सकते हैं, लेकिन वहीं जो हैवी हेलीकॉप्टर हैं वो ज़्यादा पेलोड कैरी कर सकते हैं और ज़्यादा सैनिकों को लेकर उड़ सकते हैं। यही कारण है कि हमारे लिए हैवी हेलीकॉप्टर भी उतने ही ज़रूरी हैं, और ऐसे हेलीकॉप्टर्स को बनाना हमारे देश के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमारा HAL इंडियन मल्टी रोल हेलीकॉप्टर के ऊपर काम कर रहा है, जिसका एक हैवी कॉम्बैट हेलीकॉप्टर वेरिएंट HAL डेवलप करना चाहता है। तो चलिए जानते हैं कि इंडियन मल्टी रोल हेलीकॉप्टर क्या है और हमारा हैवी कॉम्बैट हेलीकॉप्टर कैसा होने वाला है। दोस्तों जो HAL द्वारा बनाया जाने वाला इंडियन मल्टी रोल हेलीकॉप्टर है, ये एक मीडियम लिफ्ट हेलीकॉप्टर है जो कि 10 से 15 टन की कैटेगरी वाला हेलीकॉप्टर है। अभी हमारे देश को 350 के करीब मीडियम लिफ्ट हेलीकॉप्टर्स की ज़रूरत है। इससे पहले हमारी फोर्सेस रशियन MI-17 हेलीकॉप्टर्स का इस्तेमाल करती हैं, और इसके साथ ही इस हेलीकॉप्टर का एक वेरिएंट हमारी नेवी के लिए बनाया जाएगा, जिसमें फोल्डेबल ब्लेड्स होंगे, जिसके कारण इसके विंग्स को फोल्ड कर हमारी नेवी की शिप्स के ऊपर इस हेलीकॉप्टर को ऑपरेट किया जा सकेगा। इसी नेवल वेरियंट के साथ ये हेलीकॉप्टर हमारी इंडियन नेवी की रिक्वायरमेंट को भी पूरा करेगा। इस हेलीकॉप्टर को डेवलप करने का काम सन 2000 में ही शुरू हो जाना था, लेकिन इस हेलीकॉप्टर की डेवलपमेंट को शुरू नहीं किया गया। सबसे पहले एक 10 टन के हेलीकॉप्टर को बनाने का प्लान था, जिसको बनाने के लिए यूरोकॉप्टर या रशियन फर्म्स के साथ पार्टनरशिप की जानी थी। ये HAL के साथ किसी भी सिलेक्टेड कंपनी का एक ज्वाइंट वेंचर होने वाला था, लेकिन इसको लेकर काम आगे नहीं बढ़ा। इसके बाद इसके लिए एक टेंडर भी जारी किया गया था, लेकिन 2009 में HAL ने इसका एक्टिव टेंडर कैंसिल कर दिया था। इसके पीछे HAL ने कारण ये बताया था कि हमारी आर्म्ड फोर्सेस की जो रिक्वायरमेंट है वो काफ़ी चेंज हो गई हैं, इसके लिए एक नई रिक्वायरमेंट वाला टेंडर जारी किया जाएगा। 2017 में HAL ने इस प्रोजेक्ट को फिर से शुरू किया है। अब एक 12 टन की कैटेगरी वाला ट्विन इंजन मल्टीपर्पस हेलीकॉप्टर बनाया जाएगा, जिसे कि इंडियन मल्टी रोल हेलीकॉप्टर का नाम दिया गया है। ये बहुत तरह के काम कर सकेगा, जिसमें ट्रूप ट्रांसपोर्ट, कॉम्बैट सर्च एंड रेस्क्यू, VVIP ट्रांसपोर्ट, ग्राउंड एंड ऑफ शोर ऑपरेशंस, एयर एम्बुलेंस, कैजुअल्टी इवैक्यूएशन, कार्गो कैरिज और अंडरस्लंग लोड्स भी शामिल हैं। अंडरस्लंग लोड्स का मतलब ये है कि ये हमारी M777 होविजर जैसी गन्स को अंडरस्लंग लोड की तरह कैरी कर सकेगा और कहीं भी ट्रांसपोर्ट कर सकेगा। इसमें 24 पर्सनल को लेकर उड़ने की कैपेबिलिटी होगी, और इसके साथ ही ये 3500 किलोग्राम का पेलोड लेकर उड़ सकेगा। हमारी आर्म्ड फोर्सेस को अगले कुछ सालों में ऐसे 400 के करीब हेलीकॉप्टर्स की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि हमारे पास जो पहले से मौजूद हेलीकॉप्टर्स की फ्लीट है उनको धीरे धीरे रिप्लेस कर दिया जाएगा। हाल ही में इसके एक विंड टनल टेस्ट मॉडल को देखा गया था, जिसकी एक तस्वीर सामने आई थी। इस तस्वीर से इस हेलीकॉप्टर को लेकर कुछ अपडेट्स के बारे में पता चला था। इसमें ऐसा पता चला था कि इसमें एक नई इंजन केसिंग का इस्तेमाल किया गया है, और इसके साथ ही जो इंजन एग्जॉस्ट डक्ट्स हैं उनको भी अलग तरह से पोजीशन किया गया है, जिससे अब इस हेलीकॉप्टर का जो इंफ्रारेड सिग्नेचर है वो भी काफ़ी कम हो जाएगा, और इसके साथ ही इस हेलीकॉप्टर के रडार क्रॉस सेक्शन को कम करने के लिए कुछ चेंजेस किए गए हैं। तो ऐसा हो सकता है कि जो हमारा नया हेलीकॉप्टर होगा उसका रडार क्रॉस सेक्शन काफ़ी कम होगा। इसके साथ ही ये हेलीकॉप्टर वेपन्स को कैरी करने केबल भी होगा। जो इसकी तस्वीर सामने आई थी उसमें इसको अनगाइडेड रॉकेट पॉड्स के साथ देखा गया था। अभी HAL चाहती है कि इसी हेलीकॉप्टर को एक बेस की तरह इस्तेमाल कर एक हैवी कॉम्बैट हेलीकॉप्टर डेवलप किया जाए, जो कि हमारे देश की जो हैवी अटैक हेलीकॉप्टर्स की ज़रूरत है उनको पूरा करे। अभी जो हमारा लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर है उसको हमारी फोर्सेस ने काफ़ी पसंद किया है, और इसकी इंडक्शन बहुत जल्दी हो जाएगी, और इसकी प्रोडक्शन भी अभी शुरू कर दी गई है। अभी इसकी लिमिटेड सीरीज प्रोडक्शन चल रही है, लेकिन जो हमारी हैवी अटैक हेलीकॉप्टर कैटेगरी की रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करने के लिए अभी HAL के पास कोई भी हेलीकॉप्टर अवेलेबल नहीं है। अभी हमने अमेरिका से अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर्स खरीदे हैं, लेकिन वो इतनी ज़्यादा गिनती में नहीं खरीदे गए हैं कि वो हमारी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करें।
इन हेलीकॉप्टर्स में दो इंजन का इस्तेमाल किया जाएगा। इसमें जो इंजन इस्तेमाल किया जाएगा उसको लेकर HAL दो ऑप्शंस देने वाली है। हमारी फोर्सेस अपने हिसाब से इसमें जो इंजन इस्तेमाल किया जाएगा उसको चुन सकेंगी। इस हेलीकॉप्टर प्रोजेक्ट की जो कॉस्ट है उसको 10,000 करोड़ के ऊपर एस्टिमेट किया गया है। इस हेलीकॉप्टर के लिए HAL दो वेस्टर्न इंजन्स को प्रोक्योर करेगी, जो कि या तो यूरोपियन हो सकते हैं या वो अमेरिकन हो सकते हैं। ऐसे इंजन बनाने वाली कंपनीज के साथ जॉइंट वेंचर कर HAL एक जॉइंट वेंचर बैज के तहत एक जॉइंट वेंचर इंजन प्रोड्यूस करेगी, जो कि इस हेलीकॉप्टर में इस्तेमाल किया जाएगा, जो कि हमारे देश में ही मैन्युफैक्चर किया जाएगा और जिसकी जो स्पेयर एंड मेंटेनेंस सपोर्ट होगा वो सभी हमारे देश में ही अवेलेबल होगा। इससे पहले भी जो हमने लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर डेवलप किया था वो हमारे ध्रुव हेलीकॉप्टर को एक बेस की तरह इस्तेमाल कर डेवलप किया गया था। अभी जो हमारा HAL का हैवी कॉम्बैट हेलीकॉप्टर होगा वो मल्टी रोल हेलीकॉप्टर वाला डिज़ाइन तो इस्तेमाल नहीं करेगा, क्योंकि जो एक अटैक हेलीकॉप्टर का डिज़ाइन होता है वो एक ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर के मुकाबले में अलग होता है। तो हमारे हैवी कॉम्बैट हेलीकॉप्टर के डिज़ाइन को थोड़ा चेंज किया जाएगा। इसके साथ ही अमेरिका ने हमें ऑफर किया है कि हम उनके फ्यूचर वर्टिकल लिफ्ट प्रोग्राम का एक हिस्सा बने, जिसमें अमेरिका बहुत ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजीज के साथ एक्सपेरिमेंट कर रहा है। अमेरिका के इस प्रोग्राम को ब्लैक हॉक रिप्लेसमेंट प्रोग्राम का भी नाम दिया गया है। अमेरिका के इसी फ्यूचर वर्टिकल लिफ्ट मीडियम प्रोग्राम से ऐसे हेलीकॉप्टर्स प्रोड्यूस किए जाएंगे जो कि अमेरिका के ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर्स और अपाचे हेलीकॉप्टर्स को रिप्लेस करेंगे। ऐसी खबर है कि हमारी इंडियन आर्मी इस प्रोग्राम के ऊपर नज़र रख रही है, लेकिन अभी ऐसा कन्फर्म नहीं है कि हम अमेरिका के प्रोग्राम में एंटर करेंगे या नहीं। इस प्रोग्राम के ऊपर हम एक नई डिटेल वीडियो में बात करेंगे। तो आज की इस वीडियो में अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप इसको जरूर लाइक और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।